हाँ, सूफी काव तारा, जेड़ी सूफी काव तारा है, जेड़ा सूफी शब्द के उत्ते आप चर्चा करिए। सूफी शब्द है, ये सूफ तो बनिया है, कई कहते हैं कि सफ तो बनिया है, सफ माने कतार। ते जेड़े लोग इहदा जेड़ा सूफी काव तारा का जन्म होया है वो है अरब दे विच, ईरान दे विच इत्थे। और जेड़े लोग हजरत मुहम्मद साहब के नाल हिजरत करके मक्के तो मदीने गए सन, वो लोग नाल रहिंदे सन, उन्हां लई भी सूफी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वरत्या जाता है। और उस तो बाद जेड़े लोग काले रंग के ऊनी कपड़े पाते सीगे, उन्हां लई भी सूफी शब्द वरत्या जाता है। और जेड़े लोग मक्के तो मदीने हजरत मुहम्मद साहब नाल गए सी, हजरत मुहम्मद साहब नाल रहिंदे सी, उन्हां रह के एक जड़ी मसीद है उनकी गुठ के बैठ के कुरान पढ़िया करते सन, नमाज अदा करया करते सन, उन्होंने लोगों ने भी सूफी शब्द वरत्या है। और जेड़े पहली कतार दे विच बैठ के नमाज अदा करया करते सी, उन्होंने लिए भी सूफी शब्द वरत्या है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, उन्होंने बारे आप करांगे चर्चा। सूफी मत का जन्म है जेड़ा अरब, ईरान ते इराक दे विच होया। और लाजवंती रामाकृष्ण आ कहिंदी है कि जेड़ा पंजाब दे विच सूफी मत का प्रचार होया, इहदा जेड़ा मुढ है वो अरब वाले सूफी मत नाल ही बजदा है, कोई वखरा इहदा स्वरूप नहीं है। इहदा जेड़ा मुढ है या सारी विचारधारा है वो अरब तो जेड़ा स्टार्ट होया सी उसी नूं ही फॉलो कीतियां गईयां ने। और इहदा जेड़ा समा सी दूजी सदी हिजरी सीगा। और जे ईसवी सन की गल की जाए तो 9वीं ईसवी सदी दे विच जेड़ा ये है होंद दे विच आया सी सूफी मत। सफ का मतलब कतार है, प्यारा सिंह पदम ते कपूर सिंह है, इन्हां नूं पश्मीना पोश भी कहिंदे आ बई। पश्मीना पोश मतलब ऊन दे, काली ऊन दे कपड़े पा के रख्या करदे सी गड़े, इस कारण इन्हां नूं पश्मीना पोश भी कहिंदे ने। और कान सिंह नाभा है जेड़ा, वो यूनानी शब्द सोफिया तो कहता है कि सूफी शब्द बनया है। और सोफिया का अर्थ है वो है ज्ञान बोध, ज्ञान बोध है वो सोफिया का अर्थ है। और जेड़ा पहला सूफी हैगा है वो हैगा है अबू हासम, अबू हासम सी जेड़ा। और जेड़ा ये सूफी शब्द है कुरान दे विच और ओदिया जेड़िया आयता ने उन दे विच, और उस तो बाद जेड़िया हदीसा ने जिस विच कुरान दी और मुहम्मद साहब दी मुस्लिम विचारधारा के बारे दसिया गया है, उन्होंने सूफी शब्द नहीं है। ये लगभग जेडे सूफी ने वो मुहम्मद साहब दे ज्योति जोत समाण तो लगभग 150 साल तो बाद होंद दे विच आए। और सब तो पहला जेड़ा सूफी है वो अबू हासम है, वो मनिया जाता है क्योंकि अबू हासम है जेड़ा वो परमात्मा नाल जुड़िया होया बंदा सी। ते जदों वो परमात्मा नाल जुड़िया होया और उस परमात्मा की गल करता सीगा, तो उनके बारे कहा जाता सी कि जैसे कि वो बंदा जेड़ा होनी होनी परमात्मा तो मिल के आया होवे और परमात्मा के बारे गल सुना रहा होवे, उसनू इनू दरवेश भी कहा बई, सूफी भी कहा। दरवेश जेड़ा उस परमात्मा के दर्द का वेश जिन्हें धारण कर लिया, उस परमात्मा की विचारधारा जिन्हें पूर्ण तौर पर फॉलो कर लिया, उन्हां विचों एक शुरू शुरू विच अबू हासम है जेड़ा। जदों उन्हें ये महसूस किया और लोगों के सामने आके दसिया तां उन्हूं सब तो पहला सूफी कहा गया, दरवेश कहा गया। ये कूफा शहर दा सीगा बई, जेड़ा कि शाम देश दे अंदर है। उस तो बाद अगर आप गल करिए साहबा, जेड़ा शब्द ने शब्द है वह है सोहबत करने वाला, जेड़ा लोग सूफिया की सोहबत करते सी उन्हों अगों साहबा कहिंदे सीगे, सोहबत करने वाला यार दोस्त मित्र जेड़ा उन्हां दा हुंदा सी, उन्दे लई ये शब्द है वरत्या जांदा सीगा। अगों जेड़े साहबा की सोहबत करते सन उन्हां लई ताबियाइन शब्द वरत्या जांदा सी, मतलब उन्दे ताबियां दे कोल बह के उन्हां दे विचार सुनिया करते सी। ताबियां तो बनिया शब्द है ताबियाइन, मतलब आप कोल बहना गद्दी दे बिल्कुल, और उन्हां दे वो आज्ञाकारी होंदे सन। ते आज्ञाकारी होण दे कारण इन्हां नूं ताबियाइन कहा जाता सीगा, साहबां दी संगत करन वाला सी। शाबा शब्द सोहबत करन वाला बेली यार लई वरत्या जाता है। और जेड़ा
ताबियाइन शब्द है उन्होंने ताबिया के बैठिया उन्होंने आज्ञा का पालन करने वाले साहबिया के नाल जिहड़े सीगे उन्होंने आ शब्द वरत्या गया। और उस तो बाद जिहड़ा मंसूर सीगा जिंदे बारे बहुत सारे गाणियां दे विच भी आया होया है, मंसूर सीगा उन्हें सूली ते चढ़ाता सीगा क्योंकि उन्हें अनल हक का नारा दिता सीगा। अनल हक का उसने नारा दिता सीगा, उन्हें कहा सीगा मैं सच्चा हाँ, मैं हक हाँ, अल्लाह हाँ। तो लोगों ने आ समझिया कि इन्हें अपने आप को अल्लाह घोषित किया है क्योंकि वह जड़े पड़ा सन वह सारे पार कर चुकया सी और परमात्मा को अभेदता की कंडीशन दे विच वह चला गया सी। वह होर परमात्मा दे हुण कोई भी उन्दे विच होर परमात्मा दे विच कोई फकर नहीं रह गया सीगा। तो उन्हें नारा दिता सी अनल हक दा मैं अल्लाह हाँ, मैं हक्का हाँ, मैं सच्चा हाँ। तो जदों ये लोगों ने सुनिया तो लोग है जेड़े उन्हां दा इन्ना मियार उच्चा नहीं सी कि उनकी भावना नूं समझ सकते, तो उन्होंने कहा बई इन्हें तो अपने आप को अल्लाह घोषित करता है। तो इस कारण मंसूर नूं की कहिंदे है कि सूली ते चढ़ा दिता गया सीगा बई। उस तो बाद सूफिया दी एक नास्टी पत्ति है, खास पद्धति है, उनके तीन रूप है, खास पत्ति है उसके तीन रूप है ने। पहला है इजादी है, इजादी का मतलब यह है कि सिरजण जड़ी सिरजण तो जड़ी सिरजना है उस तो जो सिरजणहार है वह वखरा नहीं है, सिरजना तो सिरजणहार वखरा नहीं है। यह तो है इजादी है, इजादी माने इजाद करना, इजाद करना बनाना, शब्द मिलता है भाई इजाद, इजाद करना जो तुम यूज करते हो वरतों करते हो तो इजाद करना, इजाद तो बने इजादी है, इजाद करना सिरजना करना। उन्होंने दसिया कि सिरजना सिरजणहार तो वखरी नहीं। उस तो अगला जड़ा है दूजी पत्ती है सहूदी है, सहूदी की है कि सिरजण ते सिरजण जड़ी आ सिरजना है और सिरजणहार की होन की गवाही है। यह लिखा हुआ है सहूदी के अंदर, सहूदी का मतलब यही है कि शाहकार रचना उस परमात्मा की। जो आप इस धरती के उत्ते वक् वक् तरीके दियाँ वस्तुओं को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है कि भई इनके पिछे कोई ना कोई परमात्मा हैगा है जिहड़ा कि सारी कायनात को चला रहा है। यह है सहूदियत के अंदर सिरजना है जिहड़ी वह सिरजणहार की गवाही भरती है। जो भी आप उसकी रचाई हुई सारी सिरजना सारी दुनियावां देखते हैं भाई दुनिया कैसे चल रही है, की सिस्टम है, कौन कर रहा है, फिर अपने मन च आती है सहूदियत की गल भी जरूर इनके पिछे परमात्मा हैगा है। अगों है वजूद की गल, वजूद वजूदी है हाजर नाजर, वजूद का अर्थ होंगे हाजर नाजर, सारिया के वजूद के ही है सब च परमात्मा बसया होया है, हर चीज के कण कण के परमात्मा बसया होया है। यह जी पत्ती है यह हैगी वजूदी है, जिथे वजूद की गल की इजाद, जिथे इजाद की गल की वजूद, जिथे वजूद की गल की सहूदियत, जिथे सारी सहूलत की समझ लो तुम कि सहाकार रचनावान की गल कह दिए वह है सहूदियत। यह तीन पद्धति है बई रूप। फिर उस तो बाद अगर आप गल करिए अदबी सौर की है, अदबी सौर, अदबी सौर है साहित्यक चिंतन, अदबी सौर मतलब साहित्यक चिंतन है, उस चिंतन के बारे दसिया गया है। और सूफिया ने जिहड़ा चिंतन किया है वह चिंतन हैगा है मुकन तो कुन की यात्रा। तो यह भी आ सकता भी मुकन की है कुन की है, क्योंकि देखा यह गया है कि किसी भी जो सूफी कावधारा की गल करते हैं, विकास की गल करते हैं, शुरुआत की गल करते हैं, उनके उद्भव की गल करते हैं, तो शुरू शुरू में जो शब्द होंगे ना उन्होंने अर्थ है जरूर पूछा जाता है। ये नैट का जो भी एग्जाम होंगे उस भी जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई शब्द है सूफी विचारधारा तो संबंधित जरूर पूछा जाता है। एक बार कॉलेज लैक्चर का पेपर होया उस भी जोहद है जोड़ा जोहद शब्द है वह पूछा गया, उनकी भी आप अगे चर्चा करांगे। तां करके शब्दों तो आपां नूं जानकारी होनी चाहिए है क्योंकि आ बड़े ही प्रमुख शब्द ने, आधारित शब्द ने सूफी विचारधारा नाल संबंधित। तो इस विचों आ सकदा भी किसी भी शब्द का अर्थ आ सकदा है भाई इस या इस पड़ाव के उत्ते इसकी की गल की गई है, तो उसकी आपां गल करने। अदबी सौर की है, यह साहित्यक चिंतन, जिहड़ा चिंतन वह साहित्यकारा ने किया। तो यह जिहड़ी की है मुकुन तुकन तक की यात्रा है। मुकुन दा मतलब होंदा है कि भी कुछ भी ना होना, कुछ भी होने दे विच नहीं है, पानी धरती वगैरह कोई भी धरती तो अलावा जिहड़ी होर चीज़ है जिहड़ी धरती पानी चन्न सूरज कुछ भी होने दे विच नहीं है। और फिर धीरे 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 की है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया, क्योंकि जिहड़े लोग परमात्मा नूं मनदे है वह आह गल सोचते हैं कि भी सारी कायनात है जिहड़ी वह पहला सूरज चन्न धरती पेड़ पौधे वगैरह सारे वह परमात्मा ने बनाए ने। मुकुन दे अंदर की है सुन अवस्था,
सुन अवस्था बिल्कुल जिस विच कुछ भी बनया होया नहीं है, और धीरे धीरे परमात्मा ने यह सारा कुछ कई तो कहते धीरे धीरे बनाया, और कई जड़ी विचारधारा ने वह कहती एक झटके च की कहें कि परमात्मा ने यह सारी सृष्टि है वह साजती सी। ये अलग अलग जड़ी विचारधारा में उन्होंने विचार ने। तो मुकुंद की यात्रा मतलब कुछ भी नहीं अस्तित्व के होना, और कुंड की यात्रा उस परमात्मा के राही सारी सृष्टि की जी सिरजना है वह की है, कुंड की यात्रा हैगी है। यह है मुकुंद तो लेके कुंद की यात्रा। साहित्यक चिंतन जिन्हों कह लिए, अदबी सऊर जिन्हों कह लिए, वह हैगा है। उस तो बाद जी लाजवंती रामाकृष्णन है, उसने पंजाबी सूफिया तीन हिस्सों च वंडिया है। लाजवंती रामाकृष्ण ने पंजाबी सूफिया तीन हिस्सों के वंडिया है। पहले जेडे सूफी उन्हें दसे है कट्टर सूफी होंगे ने, जिमें कि बाबा फरीद सन। जेडे कट्टर सूफी है उन्हें की किया, इस्लाम के धर्म का पालन किया, वो पांच टाइम नमाज पढ़ते सन, और उस सारे नियमों के कुरान के सारे नियमों के पाबंद होते सन, रोजे रखते सन, और हज भी करया करते सन। वो जड़ी विचारधारा मुस्लिम विचारधारा है, शरीयत है जड़ी, उस तो उबार नहीं गए। इस कारण इन्हां सूफिया कट्टर सूफी किया जाता है, जिन्होंने पुरजोर है जड़ी मंग रखी कि जड़ी कुरान की विचारधारा है, मोहम्मद साहब की विचारधारा है, उन्होंने की कहें है कि फॉलो करना है। इस बारे इस कट्टर सूफी से एंड फरीद के दाता सकरगंज दो बंदे आते हैं, और उस तो बाद जे दार्शनिक मत के सूफी सन। दार्शनिक मत के सूफिया के विचों जो वड्डा नाम आप लईए तो बुल्ले शाह का नाम है भाई, दार्शनिक मत का ये सूफी सीगा। इन्हें की किया कि मुस्लिम विचारधारा तो चंगी तरह समझदा ही सीगा, उनके बारे तो प्रचार किया किया, परंतु होर जेड़े मत सीगे होर जेड़े धर्म से उन्होंने जोड़ा निचोड़ है, दार्शनिक निचोड़ है, उन्होंने कढ़िया और उन्होंने भी इंप्लीमेंट किया सूफी विचारधारा के अंदर। पहला तो कट्टर सूफी सीगे, उत्थे की सी सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा चल रही थी, मुस्लिम विचारधारा मोहम्मद साहब की विचारधारा है जी चल रही थी, जिंदे रोजे रखना, हज करना, पांच टाइम नमाज पढ़ना, और शरीयत दे जिहड़े सारे नियम है उनका पालन करना। हुण इत्थे की होया कि दार्शनिक जिहड़ा मत है उनके विच कि सूफी है, उन्होंने होर धर्मां जिहड़े दार्शनिक विचार है उन्होंने निचोड़ कढ़िया और उन्होंने भी नाल इंप्लीमेंट किया, थोड़ी जी होर खुल है जिहड़ी वह दित्ती गई। और उस तो अगला जिहड़ा धड़ा है वह है हरमन प्यारा धड़ा। हरमन प्यारे धड़े दे लोग जिहड़े सी वह की करदे सीगे कि वह सारिआं नूं मंनदे सी बई सब नूं। उन्होंने की किया सूफी विचारा नूं, जिहड़े लोग सीगे वह जिहड़े मुस्लिम विचारधारा सी उन्हों सारे नूं मंनदे सी बई, उन्हां दी सारी शरीयत वगैरह सब दी वह पालना करते सी। उन्दे नाल नाल जे होर कोई धर्म गुरु भी हैगा, होर कोई धर्म गुरु है, किसी भी धर्म के प्रति आस्था है, उन्हां दी भी नाल नाल वह पूजा अर्चा अर्चना करते सन। उन्होंने की किया कि नानता जेड़े हरमन प्यारा धड़ा है उसने सारे धर्मां दे जेड़े भी गुरु पीर पैगंबर सी उन्हां दे प्रति भी उन्होंने आस्था सी, और जेड़े मुहम्मद साहब है उन्हां दे प्रति भी आस्था सी, और इन्दे विच जेड़े गरीब तबके के लोग ने और नीचियां जातियां के लोग से जेड़े वो इस धड़े नाल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, और छोटे मोटे जेड़े सूफी फकीर से जेड़े वो इस धारा नाल संबंधित रहे हैं, हरमन प्यारे धड़े नाल संबंधित रहे हैं भाई। ये इत्थे तक दा सीगा। फिर उस तो बाद जे आपां हुण गल करिए ते जिहड़ा प्रोफेसर मोहन सिंह दीवाना है उसने सूफिया की चिन्हावली नूं तीन भागां च वंडिया है बई, जिहड़ी उह चिन्हावली है उसनूं तीन च वंडिया है, उन्हें बारे आप विचार करते हैं। इतने तक कोई होवे तो तुम चैट राही दस सकते हो बई। प्रोफेसर मोहन सिंह दीवाना चिन्हावली जेडे चिन्ह सूफिया ने यूज किए हैं उन्होंने उन्हें तीन भागा च वंडता। तीन भागा च वंडिया है, उनके विच की है अध्यात्मक यात्रा हैगा, विआह हैगा है, और अंदरली पवित्रता हैगी है। आ है जी प्रोफेसर मोहन सिंह दीवाना, इसने की किया है सूफिया की चिन्हावली है जी, चिन्हावली नूं तीन श्रेणियों च वंडिया बई। तीन श्रेणियों च वंडिया और उन्हें दस्या पहली जिहड़ी है
वो है अध्यात्मक यात्रा। और जड़ी दूजी है वह है व्याह, और तीजी है वह है अंदरली पवित्रता। अंदरली पवित्रता ते शुरू शुरू च की होंदा है कि अध्यात्मक यात्रा नू आपां शुरू शुरू च करदे हैगे। इसनू आपां जे समझिए तां इस तरीके नाल है अध्यात्मक यात्रा दा शुरुआत होगी बई यात्रा दी, फिर उस तो बाद की हो गया कि व्याह हो गया, और व्याह होने तो बाद हुण की है कि जिहड़ा उहदा ध्यान है वह सिर्फ एक दी तरफ है, हुण उहदे अंदर पवित्रता आ चुकी है क्योंकि उनका ध्यान एक दी तरफ है। इसी नू फॉलो करते हुए सूफी विचारधारा के अंदर की होया, सब तो पहला वह अध्यात्मक यात्रा करता है, धीरे धीरे वह अध्यात्मक होता जाता है, दुनियावी तो हटते हुए वह अध्यात्मक की तरफ जुड़ चुका, उनकी यात्रा है जी चालू हो गई है, हुण उनका विआह हो चुका है। ये जी आत्मा हैगी है वह परमात्मा नाल विआही गई है, कहन दा भाव आत्मा नू स्त्री रूप दे विच मन्निया है, और परमात्मा नू जिहड़ा है पुरख है उनके रूप दे विच पति परमेश्वर के रूप च मन्निया है। और जदों उन्हां दोनों का विआह हो गया, हुण आपां सिर्फ और सिर्फ होर किसी बारे नहीं सोच रहे, हुण सिर्फ और सिर्फ अपने पति परमेश्वर के बारे सोच रहे हैं। तां उस तों बाद की है अंदरली पवित्रता, धीरे धीरे अपने अंदर पवित्रता है जिहड़ी वह आनी चालू हो गई है, आपां पूर्ण तौर पर पवित्र हो चुके हैं क्योंकि अपने अंदर हुण सिर्फ और सिर्फ एको एक परमात्मा है जो वह बस चुकिया है। यह जिहड़ी चिन्हावली है उन्होंने इस्तेमाल की है सूफिया ने, विआह संबंधी जिहड़े चिन्ह वह भी बरते है, अंदरली पवित्रता बरती है, अध्यात्मक यात्रा के बारे भी उन्होंने किया है। हुण उस तो बाद अगर आप गल करिए सूफिया की अठ अवस्थावां बारे, सूफिया की अठ अवस्थावां बारे गल करिए, पहली है अबूदियत। अबूदियत का मतलब सोभा कदर चमक चाल। शुरू शुरू विच की होंदा है कि जे आ दुनियावी इश्क दे नाल आपां जोड़ के समझिए, शुरू शुरू च की होंदा है कि दुनियावी जिहड़ा इश्क है उहदे विच की होंदा है कि अबूदियत होंदी है, कहण दा भाव कि आपां किसी नूं किसी दी सोभा सुणदे आ या उहदी अपने ते चमक या चाल पैंदी है, फस्ट अट्रैक्शन जिहड़ा है उहदा अपने प्रति पैंदा है, उसनूं कहिंदे हैं अबूदियत। फिर उस तों बाद इश्क, धीरे धीरे मन दे विच की है कि इश्क आउंदा है, और उस तों बाद जुहद, जुहद है। फिर की होंदा कि बंदा नूं जिहड़ी आ है जिंदगी थोड़ी बेस्वादी लगती है, वह सब रसा का त्याग कर देता है। हुण की है वह कि अगले उस बारे अपने प्रेमिका बारे है वह लगातार सोच रहा है, या प्रेमी बारे है वह लगातार सोच रहा है, और यह जोहद है जिहड़ा यह की कहिंदे आ कॉलेज लैक्चरर दे प्रश्न विच आया सी भाई जोहद है उहदा अर्थ दसो की है। तो इहदा अर्थ हुंदा जदो जहद नाल जुड़िया होया शब्द है, जदो जहद मशक्कत, परंतु मशक्कत उत्थे ऑप्शन च नहीं सीगा, तो सही गल है मशक्कत उत्थे ऑप्शन च होना भी नहीं चाहिए, और उत्थे ऑप्शन च की सीगा त्याग, सब रसा का त्याग। तो शुरू शुरू में की होंगी है अबूदियत होंगी है, फस्ट अट्रैक्शन होंगे, फिर उस तो बाद थोड़ा इश्क अपने मन के अंदर आता है, फिर उस तो बाद जोहद होंगे, बंदा सारिया चीज़ा त्याग के उस बारे सोचता है बई हाँ उत्थे उस दे बारे सोच लग जाता है, तो सब रसा का त्याग होंगे और उन्होंने बस उस विच नज़ारे आने लग जाते हैं। और फिर उस तो बाद मार्फत, मार्फत फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग जाता है, नॉलेज बई गल बनेगी कि नहीं इस बारे। फिर उस तो बाद वजूद की गल करिए, वजूद फिर उन्होंने जिहड़ा अगला कंटेंट है उन्होंने आजर नाजर समझ लग जाता, उन्होंने दिखण लग जाता है सामने भला उनकी प्रेमी है प्रेमिका है, उन्होंने की है कि वह दिखण लग जाता है। और फिर हकीकत, फिर वह हकीकत दे विच ही उन्होंने इन्ना कमला हो जाता है, वह हकीकत दे विच ही उन्होंने अनुभव कर लग जाता है। और फिर धीरे धीरे बई गल बन जाती है, फिर वसल की गल हुंदी है, सतवीं मंजिल जिहड़ी वसल की है वह मिलाप की है, और जदों वसल हो जाता है मिलाप होंदा है, उस तो बाद अठवीं ते अखीरली फना की गल है, मिट जाना, वो फिर सब कुछ मिटा दिंदा, सब कुछ उस उत्तों निशावर कर दिंदा। यह जिहड़े पड़ा सी एक इश्क दे पड़ा सीगे, इन्हां नूं कई सूफी फकीर ने जदों दुनियावी इश्क राही आपां समझिया, परंतु कई सूफी कवियां ने जदों इस इश्क दी गल नूं समझिया तां उन्हां ने की कीता कि इस नूं अध्यात्मक इश्क दी तरफ लै गया, उस आत्मा दा परमात्मा दे नाल मिलन लग गया। हुण इत्थे की है वजूदियत दी, अगर आपां अबूदियत दी गल करिए तां सब तों पहलां आपां नूं उस परमात्मा की शोभा होंदी है, कदर होंदी है, चाल होंदी है, फिर अपने अंदर धीरे धीरे प्रेम जगदा, क्योंकि जिन्ने देर तक अपने अंदर प्रेम नहीं होगा परमात्मा के प्रति उन्नी देर तक आप परमात्मा नूं ही पा सकते। फिर अपने अंदर जुहद पैदा होंदा है, फिर बंदा सोचता छड्डो ये सारे, सारा कुछ त्याग करके उस परमात्मा नाल जुड़िए। फिर अगली गल चलती है मार्फत की, उस ब्रह्म ज्ञान की बंदे नूं थोड़ा ज्ञान होने लग जाता है। फिर गल चलती है वजूद की, फिर वह परमात्मा नूं हाजर नाजर है जिहड़ा वह दिसण लग जाता है। फिर हकीकत उसनों रूहानी अनुभव है जिहड़ा वह होने लग जाता है। फिर वसल
फिर आत्मा वो परमात्मा नाल मिल जाती है और अखीर दे विच फना वो बंदा सब कुछ छड़ के वह फना हो जाता है, उस परमात्मा के उत्तों मिट जाता है। अभेदता है हुण आत्मा ते परमात्मा दे विच नहीं रही है, इस गल दी है फना फी अला भी कहिंदे है, जिन्हों आप अगे गल करांगे बई। तो इस दे विच जिहड़ियां अठ अवस्थावां ने बई, सूफिया दे इश्क दी अठ अवस्थावां है, उनदे विच पहला है बई अबूदियत, इसनों पैरलर लिखते हैं बई, अठ अवस्थावां है बई। पहली है अबूदियत, चमक, चाल, अट्रैक्शन जिन्हों कहने, फर्स्ट अट्रैक्शन। फिर दूजी है जी इश्क, फिर धीरे धीरे परमात्मा नाल इश्क बई, इश्क दिया बातें हैं परमात्मा नाल चालू हो जाती है बई। मन दे विच आउंदे प्यार है परमात्मा दे प्रति जाग पैंदा है। फिर तीजी अवस्था जुहद, जुहद दा वैसे अर्थ जद्दोजहद नाल है, कोशिश नाल है, परंतु उत्थों फिर कोशिशां चालू होंदी है और फिर सब रसा दा त्याग बई, सब रसा दा त्याग, फिर सब रसा दा त्याग कर देंदा है। फिर उस तो बाद चार नंबर मार्फत, मार्फत दे विचों नू की होंदा है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान उस बंदे नू हो जाता है। फिर उस तो बाद जड़ी पंजवी अवस्था है वह है वजूद दी बई, उन्हों सब पासे हुण परमात्मा है जेड़ा वो हाजर नाजर लग रहा है, परमात्मा हाजर नाजर नजर आ रहा है उन्हों। एक शब्द है वजद बई, इन्हों थोड़ा जा समझना, इन्हों भी समझना है वजद, या फिर एवें भी लिखा हुआ आ सकता है वजहद, इन्हों भी थोड़ा आपां नू समझना पवेगा बई वजद है वो की है। वजूद और वजद दे विच फर्क है बई, वजद का मतलब है सरूर, वजद का मतलब होंदा सरूर चढ़ जाना, सरूर मस्ती आलो, वजूद हाजर नाजर सब पासे, ए वजद है, वजद वजद शब्द या वजहद शब्द ए अलग है, इनका अर्थ है सरूर चढ़ जाना, मस्ती चढ़ जाना, इस तरीके नाल। फिर अगले अगले आपां देखिए जिहड़ा छठा पड़ा है वह है हकीकत, हकीकत है बई इसका रूहानी अनुभव। हुण की हो गया है कि बंदे का जिहड़ा अनुभव है वह रूहानी हो गया है, रूहानियत की तरफ बढ़ गया है, अध्यात्मक हो चुके हैं वो पूरी तरह। और उस तो बाद है सतवां वसल, गल वसलों की आ गई, हुण रूहानी अनुभव तो बाद जिहड़ा अगला पड़ा है वह है मिलाप का, उनका आत्मा ते परमात्मा का मिलाप हो जाता है। हुण उस तो बाद जिहड़ा अठवां पड़ा है, हाँ अठवां पड़ा है वह है फना का बई, फना फिल्म भी बनी हुई है फना दे उत्ते, मिट जाना। हुण वह की है कि आप खुद कुछ नहीं रहा, खुद वह खत्म हो चुके हैं, खुद मिट चुके हैं, हुण परमात्मा नाल पूरी तरह मिक्स हो चुके हैं, अभेदता हो गया, परमात्मा और आत्मा हुण दो चीजा नहीं रही, वो एक चीज बन चुकी है, यह है फना दे विच आंदा है। इस तरीके नाल अठ अवस्थावां ने जिहड़ियां इह जिहड़ियां सूफियां दियां अवस्थावां है भाई, अठ अवस्थावां पड़ा दर पड़ा दर पड़ा दर वो चलते हैं और अखीर दे विच फिर उस तो फना हो जाते हैं। जिवें कि सिख विचारधारा के अंदर आपां देखिया पंज खंड, धर्म ज्ञानी अपना सीगा पंज खंड ज्ञानी, धर्म ज्ञानी शख्स जिहड़ा सीगा, धर्म खंड सच खंड अगे धीरे धीरे ज्ञान खंड धर्म खंड करम खंड सच खंड अगे एवें वह पहुँचता हैगा है, वह जिहड़े पंज पड़ा अपने है खंड है बई उस तो संबंधित हैगे है। तो इस तरीके अठ अवस्थावां ने अगे जाके फरीद बाबा जी ने चार अवस्थावां दिसियां दित्तियां, उन्हां बारे भी आपां जिक्र करांगे, क्योंकि जिन्ने बंदे आए वो आत्मा नूं परमात्मा तक मिलण दा जिहड़ा है अलग अलग रस्ता है जिहड़ा वह दस के गए है, परंतु लगभग रस्ते उही है, शब्द है जिहड़े हर बार वो बदले हैगे है, उन्हां शब्दां दे नाल बदल बदल के जिहड़ी भावना लास्ट च रही है, अखीर च किसी ने अठ पड़ा दसे है
किसी ने अष्टांग मार्ग दसे है, गुरु ग्रंथ साहब च पांच खंड दसे है, उन्हें पड़ावों के राही परमात्मा मिल सकता है। ईसाई धर्म च भी इसी तरीके दसिया होया है, अलग अलग धर्मों के दसिया होया। गल एक ही है बी इन्हें आत्मा है जो जी पड़ा दर पड़ा पार करती हुई उस परमात्मा मिल जाएगी बई। उस तो बाद आप गल कर रहे थे बका बिला। बका बिला मतलब बका ए एवं लिखा भी आ सकता है बई, बका बिला या फिर एवं लिखा भी और आ सकता है बई, बका बे अल्लाह इस तरीके भी आ सकता है। इनका अर्थ है कि रब नाल मिल के अमर पद पा जाना। बका बिला रब नाल मिल के अमर पद पा जाना। और एक अर्थ है फना फी अला, फना फी अला फना रब दे विच अपेद, फना फी अल्ला अल्ला दे विच अपेद, अपना अस्तित्व खत्म और अल्लाह दे विच मिल जाना। ये जिहड़ियां है ये अवस्थावां सी। फिर उस तो बाद कई संप्रदाय है जिहड़े सूफी मत तो संबंधित कई संप्रदाय ने, कई ने 14 दसे है 15 दसे है, पर अपने भारत के अंदर जिन्हों का प्रभाव रहा और खास तौर पर आप गल करिए पंजाब के अंदर जिन्हों का प्रभाव रहा, एक सी चिश्ती कादरी, तो कादरी का ही अगे हुसैन साई जिहड़ा सिलसिला सीगा, इन्हां सिलसिलों का अपने प्रभाव रहा है पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर जिन्हों सिलसिलों का प्रभाव रहा और जिन्हों जुड़े रहे कवि सूफी कवि, उन्होंने बारे आप हुण गल करते हाँ। सूफिया के कई सिलसिले हुए हैं बई, उन्हों आप सब तो पहला चिश्ती सिलसिला है उसके बारे गल करिए। पहला चिश्ती सिलसिला बई जड़ा चिश्ती सिलसिला है भारत च की है कि चिश्ती सिलसिले नू भारत दे विच मोनुद्दीन चिश्ती है जेड़ा उन्हें स्थापित किया, अजमेर दे विच आया हो ते इत्थे की है, क्योंकि पहला लोग की होया करदे सी कि शुरू विच लोग, हुण तां आपां बाहर जाने पए हैगे हैं, ते उस टाइम भारत सी जेड़ा सोने की चिड़िया सीगा और औरंगजेब दे समय तक भी जिहड़ी अपनी अर्थव्यवस्था सीगी वह बहुत ज़्यादा मजबूत सीगी, 25% तक वह लैके गया सी, पूरी विश्व की जी डी पी का 25% सी औरंगजेब, भावें एक जाबर जुलमी शासक सीगा परंतु अर्थव्यवस्था शिखर ते उस दे समय दौरान सीगी, उन्दियां नीतियां कुछ एजियां सन पर वो कट्टर सीगा, इस कारण उन्दा विरोध रहा हैगा है, वो एक अलग गल है। तो इस कारण जिहड़े उत्थों लोग जिहड़े आया करदे सी बाबे, वो की करदे है कि इत्थे चढ़ाई सी उन्हां दी, तो इस कारण की कहिंदे है कि वह भारत दे विच उन्हां दा प्रवेश सी। एवें ही मोनुद्दीन चिश्ती है जिहड़ा अजमेर दे विच आया और उन्हें चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, और फिर मोनुद्दीन चिश्ती तो बाद जिहड़ा बख्तियार काकी है फरीद जी का गुरु, वो फिर उस तो बाद फरीद साहब और फरीद साहब तो बाद निजामुद्दीन ओलिया, एवें करके पीढ़ी है जिहड़ी चलती गई। और 12वें नंबर ते शेख ब्रह्म सी जिहड़ा वो फरीद साहब का गद्दी नशीन सीगा, ते उसी तो श्री गुरु नानक देव जी उन्हां नाल विचार चर्चा की और उन्हां तो बाणी है जो प्राप्त की, और जिहड़ा समकाली सी गुरु नानक देव जी का समकाली सीगा जिहड़ा वो सीगा शेख ब्रह्म। जिहड़ा चिश्ती सिलसिला सी, चिश्ती सिलसिले की गल की, इहनूं भारत दे विच स्थापित किया मोनुद्दीन चिश्ती ने बई, मोनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती बई और मोनुद्दीन भी लिखते हैं बई, कई मोनुद्दीन मोनुद्दीन चिश्ती भी इसको लिखते हैं बई, मोनुद्दीन चिश्ती है जिहड़ा वो। और फिर उस तो बाद जिहड़ा अगला सी बख्तियार काकी बई, फरीद साहब का अखीर दे विच जिन्हें फरीद साहब को गद्दी जिन्होंने सौंपी, और उस तो बाद सी फरीद साहब, और फरीद साहब ने फिर अगे गद्दी सौंपी निजामुद्दीन ओलिए नूं बई, निजामुद्दीन ओलिए नूं। फरीद साहब नाल संबंधित तां करके इस दे उत्ते बई फरीद साहब नूं गद्दी किन्ने सौंपी बख्तियार काकी नूं, और फरीद साहब ने अगे गां किन्नू अपना गद्दी नशीन बनाया उस निजामुद्दीन ओलिया। फिर उस तो बाद जिहड़ा इंपोर्टेंट सख है वह 12वां गद्दी नशीन शेख ब्रह्म है बई,
सेख ब्रह्म है जेड़ा कि गुरु नानक देव जी का समकाली है। गुरु नानक देव जी का समकाली है, समकाली है ए सिगा चिश्ती संप्रदाय। फिर उस तो बाद अगर गल करिए आप कादरी सिलसिले की, तो कादरी सिलसिला है भारत विच अब्दुल कादर जिलानी है उन्हें स्थापित किया। अब्दुल कादर जिलानी ने और उसनू महीउद्दीन भी कहते सी, और महीउद्दीन का अर्थ है धर्म नू पुनर सज्जित करने वाला। महीउद्दीन दोबारा धर्म नू उन्हें पुनर सज्जित करने वाला कहते सीगे, महीउद्दीन कहते सीगे अब्दुल जिलानी कादरी नू। और एंड ही एक उपशाखा है शाह हुसैन ने स्थापित की, हुसैन शाही। और जड़ा अब्दुल कादर जिलानी है, अब्दुल कादर जिलानी का जरा मुरसद है अबू साल है, वह हजरत मुहम्मद के दो त्यां चो दो ते सी जेड़े हसन हुसैन के सिलसिले के होने कारण इनू हसन हुसैनी सरवरी सिलसिला भी आखते हैं। अब्दुल कादर सी भाई, अब्दुल कादर जिलानी का जरा मुरसद सीगा वह सी अबू साल है, और अबू साल है जरा सीगा वह हजरत मुहम्मद साहब के दोते सी जेड़े हसन हुसैन दे सिलसिले तो संबंधित सीगे, इस कारण कादरी सिलसिले नू हसन हुसैनी सरवरिया सिलसिला भी आखते ने। और इन्हें सब तो वधेरे सूफी की कहते हैं कि कादरी सिलसिले दे है बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, शाह सरफ बटालवी, अली हैदर, फर्द फरीद, शाह मुराद, हासम, गुलाम जिलानी रोहतकी, ये जेड़े ने एक हदायतुल्ला है जेड़ा ओ ए सूफी ने जेड़े ओ कादरी सिलसिले तो संबंधित ने। कादरी सिलसिला भाई अगला कादरी सिलसिले की भारत के अगर कही नहीं रखी है, कादरी सिलसिले की अब्दुल कादर जिलानी भाई, महीउद्दीन भी कहते सी इनू धर्म का उद्धार करने वाला, धर्म नू पुनर सुरजीत करने वाला भाई। और फिर इनका जेड़ा गुरु सीगा ओ सीगा अबू साले, अबू साले। और अबू साले सीगा जेड़ा ओ हजरत मुहम्मद दे हसन हुसैन दे सिलसिले नाल संबंधित सीगा, इस कारण इस सिलसिले नू हसन हुसैनी सरवरिया सिलसिला भी कहा जाता है। और इस दे जेड़े प्रसिद्ध कवि सी भाई, प्रमुख सूफी जेड़े सीगे उन्ना विचों बुल्ले शाह, और बुल्ले शाह तो बाद सुल्तान बाहू, सुल्तान बाहू तो बाद हाशम भाई, बुल्ले शाह हो गया, सुल्तान बाहू हो गया, हाशम हो गया, शाह सरफ बटालवी, अली हैदर, शाह सरफ बटालवी, अली हैदर, ए जेड़े सीगे गुलाम जिलानी रोहतकी, हिदायतुल्ला, ए इस तो संबंधित सीगे। फिर उस तो बाद अगर आप गल करिए कई संकल्प ने जेड़े सूफी विचारधारा के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है सूफी विचारधारा नू, उन्हां विचों एक है रजा का संकल्प। जेड़ा रजा का संकल्प है वह अल फुजैल बिन अल याद ने दिता है भाई, याद रख लियो, याद याद शब्द जुड़िया हुआ है उस नालों। और इसी जेड़ा संकल्प सीगा इसी नाल राबिया भी संबंधित सीगी, जिन्हें कि प्रेमा भगती नू प्रचारिया जिन्हें। अगला है भाई जेड़ा रजा का संकल्प है भाई, रजा का संकल्प यही है कि भाई रब की रजा दे विच रहो, ज्यादा उड़न की कोशिश ना करो। जेड़ा परमात्मा हैगा उनकी जो भी परमात्मा ने परमात्मा कह रहे हैं उस हिसाब नाल तुहाडा जीवन हैगा तुहानू दिता है, उसी हिसाब नाल तुहानू जीना पऊगा। रब दे रजा दे विच रहो, जिस विच ओ राजी आपां नू रखदा है आपां उसी विच ओही ही जीवन जात दे विच राजी रहिए, यह है रजा का संकल्प। और इनका हैगा है अल फुजैल रजा का संकल्प, अल फुजैल
अल याद कर लियो, इन्ना ही याद कर लियो नाम, अल फुजैल अल याद, सिर्फ इन्ना नाम याद कर लियो तुसी, अल फुजैल बिन अल याद आ इनका नाम है, इतने अल अल और याद रख लियो भाई, इन बिना याद कर लियो फुजैल तो। राजा का संकल्प दिता अल फुजैल अल याद कर लियो, अल फुजैल अल याद इन्ना कर लियो, बहुत है आसान, क्योंकि शब्द अगर पूरे शब्द है याद करने च दिक्कत आती है, आप कुछ ऐसा याद कर लिए कि आपको याद रह जाए तो भी ठीक है। राबिया इसके अंदर तो संबंधित सी, और राबिया ने की है सिंगार रसी की अभिव्यक्ति, सिंगार रस की अभिव्यक्ति प्रेमा भक्ति प्रचारण करने वाली राबिया सी, या फिर जूल नून मिसरी सी गा भाई। हाँ भाई, सिंगार रस ते प्रेमा भगती, सिंगार रस ते प्रेमा भगती नू प्रचारण वाले भाई, इस संकल्प नू सब तो ज्यादा जिन्होंने प्रचारिया संकल्प वो है एक राबिया, राबिया जनानी सी भाई, और प्रेमा भगती नू प्रचारण वाली पहली जनानी सी जैवे अपनी, और राबिया सूफी नाल संबंधित सीगा। जे तुसी अपनी मीरा मान लो, मीरा उस टाइप की भगती है जो सूफी मत के अंदर राबिया लेके आई सी भाई। फिर उस तो बाद है अपना जेड़ा है जूल नून, जूल नून मिसरी, ये दोनों ने प्रेमा भगती का पर श्रृंगार की अभिव्यक्ति का प्रचार किया, प्रेमा भगती का प्रचार किया इन्हों दोनों बंदिया ने। हुण इस तो बाद की कहिंदे है कि आपां गल करदे हाँ, ये तो सीगा सूफी विचारधारा, सूफी जिहड़ी काव्यधारा सी उहदी आपां शुरुआत की, और उहदे जिहड़े महत्वपूर्ण शब्द सी उहनां बारे आपां विचार चर्चा की, क्योंकि आपां नूं इह ध्यान विच होना चाहिए हैगा है कि कहड़े दा की अर्थ हैगा है, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर इस नूं, और जदों तुसीं एक दो बार चंगी तरह रीडिंग दोगे तां कहड़े शब्द का की अर्थ है उहनूं तुहानूं चंगी तरह आ जाएगा। इस तरीके नाल जोड़ के याद कर लियो जिवें तुहानूं मैं समझाया है, ताकि आपां भुलीए ना बई। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए फरीद साहब दी बई, फरीद साहब दा जिहड़ा पूरा नाम से उसी हजरत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर, काजी बच्चा भी कहिंदे सी इहनूं, काजी भी कहिंदे सी, बच्चा दीवाना भी कहिंदे सीगे, और मोहन सिंह ने इहनूं पंजाबी दा चा सूफी काव्यधारा दा इहनूं चासर कहा बई, और सकरगंज भी कहिंदे सी, सकरगंज इस कारण कई तां कहिंदे आ बई बचपन दे विच बड़ा ही ये गुड़ खाया करते सी, मिठे दे बड़े शकीन सी, उस कारण गंजे शकर कहिंदे आ। और कई विद्वान ये कहिंदे आ जिहड़ा कि ज्यादा मत प्रचलित ने, वो आ कहिंदे आ कि बई इन्हां दी बाणी दी मिठास है, बोलां दी मिठास है जिहड़ी, इन्हां दी बाणी है जिहड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है, उहदे बारे अगे आपां गल करांगे। बचना की मिठास कारण, बाणी की मिठास कारण इन्हां नूं गंजे शकर कहा गया। और इन्हां दी अगर आपां कहानी की गल करिए, इन्हां दा पहला जिहड़ा पंजाबी दा पहला सूफी कवि, पंजाबी दा पहला साहित्यकार जे आपां कहीए अध्यात्मक दा, वह फरीद है बई। सिख विचारधारा तो संबंधित गुरु नानक देव जी, पहला सूफी कवि पंजाबी दा वह हैगा है बाबा फरीद। तो इनू पंजाबी सूफी काव्यधारा का पितामा भी कहिंदे आ भाई, मील पत्थर भी कहिंदे है, और इहदे जन्म है जिहड़ा डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना तां कहिंदा जी इहदा जन्म 1186 च होया, और रतन सिंह जग्गी और सीरल ओलिया का जिहड़ा किरमानी हैगा है रचेता, पुस्तक का रचेता किरमानी है, वह 1173 मौला बख्श कुश्ता रतन सिंह जग्गी और सीरल ओलिया पुस्तक है उनके भी 1173 है जिहड़ा इहदा जन्म है रखे लिखिया गया है। और इन्हां दी माता सी जिहड़ी उह सी करसूम खातून, ते पिता सीगा उह सी जमालुद्दीन सुलेमान, उन्हां दे पिता जी सी, और दादा जी सीगे काजी सईब, काजी सईब सी जिहड़े उह इन्हां दे दादा जी सी, काबुल दे इह मूल वासी सीगे। और काबुल दे अंदर की होया, जिहड़ा काबुल शहर सी उहदे उत्ते गजनी है जिहड़ा उहने हमला करता बई, काबुल है गजनी दे जदों अधीन हो गया तां फिर की कहिंदे आ कि जिहड़े सईब सीगे काजी सईब उन्होंने दादा जी सीगे, उन्होंने गजनी छड़ता, क्योंकि इन्होंने दादा जी जिहड़े कि काजी सईब सी काबुल के मूल वासी सीगे, और फरक शाह उत्थे दा बादशाह सी बई किसी समय का,
ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਆ। ਔਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਗਜਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਹੀਬ ਕਾਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਸੂਰ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਠਵਾਲ ਖੋਤਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਈਆ, ਕਾਠਵਾਲ ਖੋਤਵਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਾਠਵਾਲ ਖੋਤਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੌਲੀ ਮੂਸੇ ਖਾਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਆ ਚੌਲੀ ਮੂਸੇ ਖਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕਾਠਵਾਲ ਕੋਤਵਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਫੀਆ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਫਾ ਖੱਟੇਗਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਓ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਬਦੁਲ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮੌਸੂਦ ਗੰਜ ਸਕਰ, ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸਕਰ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜੇ ਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਜੀ ਬੱਚਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਹੋਰੇ ਕਾ ਗੰਜੇ ਸਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਹੋਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਾਸਰ ਕਿਹਾ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਬਈ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਸਰ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਾਸਰ ਹੈ। ਚਾਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਉਸਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਸਦੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਾਸਰ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਈ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੂਫੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੜ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਈ। ਪਿਤਾ ਜਮਾਲੂਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਕਰਸੂਮ ਖਾਤੂਮ, ਕਰਸੂਮ ਖਾਤੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤੂਨ ਖਾਤੂਨ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਕਾਜੀ ਸਹੀਬ, ਕਾਜੀ ਸਹੀਬ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਆਪਣੇ ਸੀ ਕਾਬਲ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਾਬਲ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਬਈ, ਕਸੂਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ,
कोटवाल जिहड़ा पिंड है उत्थे आ गए। आ जिहड़ा कोटवाल है जिन्हू चौली मूसे खां आखते हैं, चौली मूसे खां आखते हैं बई, अज अज इहदा नाम चौली मूसे खां हैगा, पहला कोटवाल सी, इत्थे फरीद साहब का जन्म होया बई। होर फरीद साहब ने जड़ी दुनियावी सिखिया सी ओ अपनी पहली जड़ी पहली सिखिया है वो अपनी माता तो लिती है, मुढ़ली विद्या जड़ी मुढ़ली विद्या है वो अपनी माता तो लिती बई। और फिर उस तो बाद जड़ी मुढ़ली इस्लामी सिखिया हैगी है वो मुल्तान च लिती पई उन्हें, मुल्तान च मौलाना सी मिनराज उद्दीन, मिनराज उद्दीन, मिनराज उद्दीन सी भैया मुल्तान दे अंदर, मुल्तान च जड़ी इस्लामी सिखिया है जड़ी मुढ़ली मुढ़ली विद्या माता तो, और फिर उस तो बाद मुढ़ली जड़ी इस्लामी सिखिया है, मुढ़ली इस्लामी सिखिया है वो लिती मिनराज उद्दीन तो बई। ए है उन्होंने मुढ़ली सिखिया है इस तो लिती, इतने तक माता का नाम पिता का नाम ये तो दसता है गया, तो ये सारे फैक्ट ने ये तो याद होने चाहिए है, ध्यान च रखना है अपना। और जो इन्हों का जन्म है उसके बारे तुम ध्यान रखियो बई, जो डॉक्टर मोहन सिंह दवाना है, हाँ इतने आयो, जिहड़ा डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना है बई, मोहन सिंह दीवाना यह तो कहिंदा जी जन्म होया 1186 1186 ईस्वी के अंदर, परंतु रतन सिंह जग्गी कुश्ता रतन सिंह जग्गी मौला बख्श कुश्ता बई, मौला बख्श कुश्ता इन्होंने दसिया 1173। और हजरत किरमानी है जिहड़ा, हजरत किरमानी कोरे बई एक पुस्तक लिखी सी सीरुल ओलिया, काफी पॉपुलर पुस्तक है सीरुल ओलिया, पुस्तक दे विच हजरत किरमानी ने 1173 लिख रखे है, उसी पुस्तक नू फॉलो किता मौला बख्श कुश्ता ने और उनका जन्म लिखता 1173 ने, परंतु मोहन जिहड़ा रतन सिंह जग्गी सी उसने होर फैक्टा नू और कई फैक्टा नू ध्यान च रखते हुए रतन सिंह जग्गी ने दसिया कि इहदा जी जिहड़ी डेट ऑफ बर्थ है वह 1173 हैगी है। आया भाई हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए बाबा फरीद जी दी बाणी दे बारे, देखो बाबा फरीद जी दी जिहड़े सलोक ने वह 112 है और 18 सलोक है जिहड़े उन्हां दे नां दे नाल जुड़े हुए हैं, दूजे जिहड़े गुरु सीगे होर गुरु सीगे उन्हां ने अपने सलोक जोड़े है, 112 सलोक है फरीद जी दे, 18 सलोक है जिहड़े वह दूजे गुरुआं दे हैगे बई, हो गए 130 सलोक, परंतु कृपाल कसेल है वह 132 सलोक दसदा है बई, बाबा जी के 132 सलोक फरीद जी के नाम के थले लिखे हुए है। और चार शब्द है बई, दो राग आसा च और दो राग सूही दे विच, एक सौ बारह सलोक चार शब्द बई, चार शब्द दो तो है राग आसा च और दो है राग सूही दे विच, ते तुसी इसका आसू कर लियो बई, आसू सूत्र याद कर लियो, आ ते आसा और सू ते सूही, आसू बई दो राग आसा च है दो राग सूही च है। हुण आपां इस तों अगे भी चर्चा करांगे कि दो राग आसा च किहड़े है और दो राग सूही च किहड़े है, उस तों पहलां सलोकां दी अगर गल करिए 112 सलोक है जिहड़े ओह फरीद जी दे है और फरीद जी दे नाल संबंधित जिहड़े 18 सलोक हैगे है ओह अपने वख वख बाबे ने उन्हां दे वख वख गिणती जुड़े हुए है, 18 सलोक टोटल हो गए बई 130 सलोक ये बाबे फरीद दे नाम तो दर्ज ने,
गुरबाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 130 श्लोक, ये सब जगह मिलेंगे। परंतु की कहता है कि कृपाल कसेल है जेड़ा, ओ कहता है कि फरीद साहब के नाम हेठ 132 श्लोक है भाई, 132 श्लोक है, यह की कहते हैं कृपाल कसेल का मत है। आप इस फॉलो करा इन जो हम 18 श्लोक है इनके बारे आप देखिए। हाँ भाई, गुरु नानक देव जी संबंधित है 4 श्लोक, तीजी पातशाह श्री गुरु अमरदास जी संबंधित है 5 श्लोक, चौथी पातशाह श्री गुरु रामदास जी संबंधित है 1 श्लोक, पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी संबंधित है 8 श्लोक। हमने टोटल हो गए 5 4 9 और 9 18 श्लोक। पहले भाई गुरु नानक जी संबंधित है 4 श्लोक, तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी संबंधित है 5 श्लोक, चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी संबंधित है 1 श्लोक। यह टिप्पणी के रूप में गुरु साहबान ने की किया कि फरीद साहब की बाणी के अंदर जो उन्होंने लग्या कि फरीद साहब की बाणी की जी जी विचारधारा का कोई भी गलत अर्थ ना लगा लवे, इस कारण गुरु साहबान ने की किया कि जिथे जिथे उन्होंने जरूरत समझी उन्होंने की किया कि फरीद साहब जी का जो श्लोक है उस तो बाद अपना श्लोक दर्ज करता, ताकि जो उतला श्लोक है उनकी की कहते व्याख्या है जी कोई भी मनुख है वह गलत ना कर दे, किसी प्रकार की कोई भी संख्या है जी अपने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ना पैदा हो, इस कारण ऐसा किया गया। और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, बल्कि सारिया शंकावान का समाधान है, क्योंकि गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी ने किसी भी प्रकार की कोई भी किंतु परंतु इस दे अंदर रखी नहीं किसी भी गुरु साहब ने। तो इस कारण ये जो श्लोक ने टिप्पणी के रूप में दर्ज ने, पूर्ण रूप से जी बाबा फरीद जी की बाणी की व्याख्या करती है वो। ते उस तो बाद जो पंजवें श्री गुरु अर्जन देव जी ने सब तो ज्यादा श्लोक है जो 8 श्लोक है जेडे की बाणी न दर्ज है भाई। ये आप कहें पूरे का पूरा ध्यान दे आना चाहिए भाई कि श्लोक है किस दे दर्ज है। हुण उस तो बाद जो आप गल करिए वैसे समा हो गया, वैसे मैं चाहता सी कि चलो अब थोड़ा दस दें फिर उस तो बाद कल विस्थार ना इनके बारे चर्चा करांगे। जेड़े दो शब्द राग आसा दे विच वह हैगा आसा दे विच है दिलो मुहब्बत जिन सही सच्चे आ जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, और इसी दे विच है कि तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीदा खैर दीजे बंदगी, शेख फरीदा खैर दीजे बंदगी इस दे बारे दसिया गया है। इन्दे विच की है कि दिलो मुहब्बत जिन सही सच्चे आ, दिलो मुहब्बत जिंदी उस परमात्मा ने दिल तो मुहब्बत है वह मनुख सच्चे ने, और एंदे विच यही दसिया गया है कि उस परमात्मा की आप बंदगी करिए। अखीरली जी तुक है बड़ी ही पॉपुलर जी तुक है वह है तेरी पनै खुदाए तू बख्शिंदगी शेख फरीदा खैर दीजे बंदगी। शेख फरीद साहब कहते हैं कि तेरी पनाह तू हे परमात्मा तू मैनू अपनी पनाह दे विच लै लै, तू अपनी पनाह दे विच लै लै। शेख फरीद जी कहते हैं हे परमात्मा मैनू तू बंदगी बख्श दे, आ हैगा बई ये तुसी पूरा पढ़ लियो। फिर उस तो बाद है अगला जिहड़ा श्लोक है तुसी ये अगला जिहड़ा शब्द है, 4 शब्द है भाई। पहला शब्द है दिलो मुहब्बत जिन सही सच्चे आ जिन मन होर मुख होर से काढ़े कच्चे आ, ये हैगा। दूजा जिहड़ा श्लोक दूजा जिहड़ा शब्द है भाई शब्द बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए, यह शब्द भी बहुत ही पॉपुलर शब्द है भाई। सारे शब्द ही पॉपुलर, आप फरीद साहब की गल कर रहे हैं तो आपां नूं की करना है कि सदा सच बोलना है, बोलिए सच धर्म अपना धर्म है सच बोलन दा, झूठ ना बोलिए झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। जो गुरु दसे वाट जेड़ा रस्ता ओ परमात्मा गुर दसे फरीदा जोली है, उस रस्ते दे उत्तर ही आपां नूं तुरना है भाई। ये जड़ी तुक है बड़ी पॉपुलर तुक है ये है, तुसी ये शब्द सुन भी लेने हैं ताकि आपां नूं थोड़ा ध्यान विच रह जावे। और इसी शब्द विच लिखे है बोले सेख फरीद प्यारे अलो लगे ए तन होसी खाख निमाणी गोरगड़े, बई अखीर दे विच ये जड़ा तन है
एक दिन वह गोर दे विच मड़ी दे अंदर, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर की होंगे सी दफनाया जाता सी, उस मड़ी दे अंदर दफन हो जाना है, खाक हो जाना है, ते उस अले लगे उस परमात्मा दे नाल लग जाओ। ये दो शब्द ने आसा राग दे विच, एक तो दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चे आ, एक तो यह शब्द और दूजा शब्द है बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है, जो गुरदस वाट मुरीदा जोली है। ये दो शब्द ने जेडे वो है राग आसा दे अंदर बई, तो इसनों जोड़िया गया है कि भाई दिलों सच बोलो, दिलों सच बोलो, तो दिलों तो आपां नूं याद आजूगा दिलों सच बोलो बई, तो दिलों तो याद आजूगा दिलों मुहब्बत जिन से ही सच्चे हैं, और सच बोलो उस तो आजूगा बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है, वह शब्द आपां नूं याद आ जाऊगा। तो इस गाने का सूत्र बना रहे दिलों सच बोलो, दिलों सच बोलो, ये आस है, हर कोई आस करता है, हर किसी को उम्मीद होती आस होती है दिलों सच बोलो भी मेरे नाल लोग सच बोलन, मैं भला झूठ बोली जावा कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपां नूं आस जिहड़ी हैगी है वो की है भी लोग सच बोलन मेरे नाल सच बोलन, तां इहदे नाल दिलों आपां नूं आस हैगी है आसा राग दे विच, दिलों सच बोलो, दिलों मुहब्बत और सच तो बोली है सच धर्म। हुण जिहड़ी अगली राग सूही दे अंदर है, राग सूही दे अंदर भी बई दो शब्द है, राग सूही दे अंदर दो शब्द है, और तुसी की कहंदे आ कि जिहड़ा ये शब्द है सुरेंद्र सिंह जोधपुरिया, सुरेंद्र सिंह जोधपुरिया का नाम सुनिया होना है बई, 84 कांड दे विच की कहंदे जोधपुर जेल दे विच उहनूं बड़े पट्टे चढ़ाए सीगे, तां उस तो बाद की वह बहुत वड्डा रागी सी, बहुत फेमस रागी सीगा, ते उत्थे जोधपुर जेल दे विच उहनूं यात्रावां दित्तियां गईयां, गलत बंदे नूं फड़ लिया सी सरकार ने, उस टाइम सरकार दीआं नीतियां कुछ जिहियां सीगियां, परंतु उत्थे भी की कहंदे आ कि प्रचार करदा रहा, बहुत लोगों नूं जोड़िया, जेल के अंदर ही बहुत लोग जुड़ते थे, फिर उन्होंने पता लग गया भी ये तो परमात्मा की रूह है, इस बेचारे एवं फड़ लिया, तो बाद चो छता, हजे भी की कहें कि दरबार साहब के अंदर वो कीर्तन करता है, तो उन्हें अपने नाम के पिछे की कहें कि सुरेंद्र सिंह जोधपुरिया ला लिया, तो उसका की कहें फेमस मतलब उसका मैं तो उसका सुनिया होया, और उन्हें बड़ी मिठी आवाज के गाया होया, होर भी बहुत लोगों ने बड़ी मिठी आवाज के गाया है, उसने गाया जैमें काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के बिर है जाली, बई काली जिहड़ी कोयल है वह क्यों काली है, वह फिर कहती है कि मैं तो अपने जिहड़ा प्रीतम सीगा उहदे बिरह दे विच बल के मैं काली हो गई, तो इस नाल जिहड़ी आत्मा हैगी है उहने उस परमात्मा दे बिरह दे अंदर बलना हैगा, बई ये दसिया गया है इस दे अंदर, तप तप लोए लोए इस तरीके नाल है, हाथ मरो रो उस परमात्मा नाल दसदे होए कि भाई वाट उड़ीकी है खड़ी, भाई साड़ी वाट है जी उड़ीकी जाती है, और उस परमात्मा के बिरह नूं मानना हैगा है, ये इस दे विच दिता गया है, ये भी सूही राग के अंदर है, काली कोयल तू कित गुण काली, बहुत सोहना शब्द सूही राग के विच। और अगला है जेड़ा बेड़ा बंध ना सके बंधन की वेला, और ये शब्द है जेड़ा ये अपने इसनों भी ध्यान रखना है बई, बेड़ा बंध ना सके बंधन की वेला, पर सरवर जब उछलै तब तरण दुहेला, भाई तू की है कि बेड़ा बंध ना सके बंधन की वेला, हुण की है कि जो बंधन का समा आऊगा बेड़े नूं बन्नण का समा आऊगा उदों तुसीं बन नहीं सके, कहण दा भाव जो अपना भगती का समा हैगा, जो ये जवानी है जो बंदा जवान होंदा है ना उस टाइम उहदे कोल बड़ा समा आउंदा है, बचपन तो लैके जवानी दे विच उहदे कोल बड़ा समा है, परंतु वह की करदा है कि दुनियावी विकारां दे विच गलतान रहिंदा हैगा, और उस समय वह अपना जिहड़ा बेड़ा है नाम रूपी बेड़ा है वह बंध नहीं सकता, परवर सरवर जब उछलै तब तरण दुहेला, जदों सरवर भर के उछलदा है तां तरना बड़ा औखा हो जाता है, तो जदों ये विकारां दा सरवर दे विचों निकलना विकारां दे सरोवर दे विचों तरना बड़ा ही औखा है, और जिहड़े लोग नाम दे बेड़े नाल जुड़ जाते हैं वह फिर की कहिंदे है कि संसार सागर नूं पार कर जाते हैं, ये भैया इस दे बारे है, बेड़ा बंध ना सके बंधन की वेला, बई जदों तुहाडा समय है उस समय के अंदर तुसी नाम रूपी बेड़ा है जो बन लेना है, ताकि आने वाले समय के आप इस संसार सागर में तर लीए, कि एवें ना हो बुढ़ी अवस्था च बुजुर्ग अवस्था च, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था च की है किसी को बीपी हो गया शुगर हो गया, तुसी उठ के गुरुद्वारे नहीं जा सकते कितने भी नहीं जा सकते, तुसी ये सोच रहे हो उस चीज़ की उड़ीक कर रहे हो पर मैं बुढ़ा होकर नाम जपूंगा हूँ तो मेरी की कहते हैं कि मौज मस्ती दे देना कमाइया दे देना, इस तरीके का अगर तुम सोचते हो तो यह गलत सोचते हो, वह कहते हैं कि भाई हुण समा है तू इस टाइम परमात्मा का नाम ले लै, बाद च की कहिंदे आ कि परमात्मा का नाम लेना बड़ा ही औखा है, समय नूं संभालण दी गल है जो इस विच कीती गई है बई। इह सीगा अपना
आज का टॉपिक बाबा फरीद जी और कुछ इन्हें विचों आप कल पढ़ांगे फरीद जी के विचों जेड़ा भी अगे पार्ट टू के अंदर जो कुछ बच गया है उस दे